आरपीएस चौधरी आते हैं और स्टेटमेंट दे देते हैं कि योग अभ्यर्थी नहीं है। 94,000 सीट में अभी से ज्यादा सीट खाली जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि आज शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में नौकरी की भिक्षा मांग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि यहां पर ये पहुंचे हैं और नौकरी की भीख इन्हें मांगनी पड़ रही है। कुछ अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे। आपका नाम? मनीष कुमार। क्या कुछ मामला है और किस लिए यहां पर आप? हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 और 2021 पास है, जनवरी पास हम लोग हैं। हम लोग को जो छठे चरण की बहाली चल रही है उसमें हम लोग को फॉर्म भरने से वंचित किया गया है। हम लोग को मांग है कि सरकार से जो सीटें खाली है उससे चाहे तो हम लोग को बहाल किया जाए, न तो नए चरण में उस सीट को जोड़कर नए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम है सर। क्या मुद्दे लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं? पहुँचे आपके हाथ में सीटीईटी जनवरी दिसंबर करे पुकार, हमारी मांग सुने सरकार, कौन सी मांग? सर हम लोग सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं सर। हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी सभा हर्ता को पार करते हुए सर बिहार सरकार हम लोगों को सुन नहीं रही है। हम लोग को बात नहीं सुन रही। हम लोग को नौकरी चाहिए सर, समझ गए ना? तो हम लोग को सिर्फ आश्वासन नहीं, हम लोग को नौकरी सुनिश्चित की जाए, यही मांग है। छठे चरण की बहाली चल रही है उसमें आप लोगों को वंचित क्यों किया गया? हम लोग को 94,000 में 23/11/2019 के कट ऑफ डेट बताकर हम लोग को वंचित किया गया है सर। और हम लोग को सब रहा तब और इतना सीट रहने के बाद भी हम लोग को यहाँ पर सीट जाने के बावजूद भी हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। 50% सीटें खाली रहे। हाँ जी, तभी हम लोगों की मांग है कि उसमें आप लोगों को भी जोड़ा जाए और नियोजन में आपको शामिल किया जाए। इस मुद्दे को लेकर आप शिक्षा मंत्री से भी मिले होंगे क्या? जी जी जी, शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन देते हैं सर। शिक्षा मंत्री सिर्फ बरगला रहे हैं, आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं सर। हम लोग को मौका चाहिए तो कन्फर्म आप बताएंगे ना कि कब मौका? सिर्फ बरगला रहे हैं, बोलते हैं सातवां चरण कब आएगा, क्या आएगा, कुछ न कहा आप, वो भी हम लोग को कन्फर्म नहीं किया जा रहा है सर कि उसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी आएगा कि भी नहीं। सातवां चरण सर दिया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे दीजिए। प्राइमरी का जो है ना सर, प्राइमरी का नाम ही नहीं लिया जा रहा। मेरा नाम एमडी आबिद रजा है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं सरकार सबसे पहले तो 7 साल 8 साल पे नोटिफिकेशन निकालती है, लेकिन क्या वजह है कि 7 साल 8 साल पे भी आज 50% सीट जो है खाली है और सरकार कह रही है कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं सर क्या यहां पे पूरे बिहार से अभ्यर्थी आए हुए हैं लेकिन वंचित अभ्यर्थी हैं। सरकार एक तरफ कहते हैं कि अभ्यर्थी नहीं, हम बोल रहे हैं कि हमको रोजगार दीजिए, हम यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों को वंचित क्यों किया गया? हम लोग को वंचित किया गया कट ऑफ डेट का हवाला देकर के सर, कि आप लोग जो है इस कट ऑफ डेट से मतलब बाद में आप लोग पास किए इसलिए आप लोग को मौका नहीं दिया गया। तो हम लोग सरकार से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ठीक है सर, आप अगला चरण निकालिए, सातवां चरण में प्राइमरी शिक्षक की बहाली का नोटिफिकेशन निकाल दीजिए और जो आप आश्वासन दे रहे हैं तो आप एक लिखित आश्वासन दे दीजिए। सातवें चरण में उतनी सीटें होंगी? बिल्कुल सर, पूरा सीट खाली है सर। बिहार में कम से कम 3 लाख शिक्षक के जो पद हैं पहले से खाली है और इसमें 47,000 सीट जो है खाली जा रहा है। अगर सरकार चाहेगी तो इतना सीट है सर कि यहाँ पे अभ्यर्थी रियल में काम पड़ेगा, लेकिन सरकार इस पे कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार जो है अपने काम को बंद कर लिया है और शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पे भीख मांगने पे मजबूर कर रही है सर। नौकरी की भीख आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, सीटें खाली पड़ी, बिल्कुल सीट खाली है सर। तमाम ये अभ्यर्थियों की भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी। जी मेरा नाम प्रीति घोष है। क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पर आए हैं? हम लोग सरकार से बस ये मांग करते हैं कि हम लोगों के लिए जो है सरकार सातवें चरण की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द बहाल करे। अच्छा, उसमें आप लोगों को भी शामिल किया? उसमें हम लोगों को शामिल किया जाए, हम लोगों को जो है बहाली से वंचित कर दिया गया है। छठे चरण में आप लोगों को वंचित कर दिया गया? क्या कुछ कारण रहा इसके लिए सर? इसके कट ऑफ डेट के कारण। इस मुद्दे को लेकर आप शिक्षा मंत्री से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला? सरकार जो ऐसी आश्वासन दे रही है कि हम जल्द बहाल करेंगे, लेकिन सर कब, आखिर कब? मौखिक लिखित तो नहीं ना मिला हम लोगों को? लिखित नहीं मिला है। सरकार पे भरोसा नहीं है सर? 2 साल से तो भटका रहा है सरकार, तो कैसे भरोसा करें हम लोग? सिर्फ इतना सीट खाली फिर भी मौका नहीं दिया जा रहा है, नए नोटिफिकेशन की बात किया जा रहा है लेकिन दिया नहीं जा रहा है सर। तमाम आप अभ्यर्थी यहाँ पर जो है सीटेट पास 2019-21 के अभ्यर्थी हैं, ये तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि छठे चरण की जो बहाली चल रही है उसमें तकरीबन आधी सीटें खाली हो जा रही हैं अभ्यर्थियों के कमी के कारण। और यहाँ पर तमाम ऐसे सीटेट पास अभ्यर्थी हैं जो कि खाली ऐसे ही बैठे पड़े हैं नौकरी की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री तक के पास पहुँचे और सरकार कहती है कि सीटें खाली है, अभ्यर्थी की कमी है।
लेकिन यहाँ पर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास होकर भी जो परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको पास करके यहाँ पर बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल नियुक्ति देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। छठे चरण की बहाली में इनको शामिल नहीं किया गया है और सातवें चरण में इनकी मांग है, कम से कम लिखित में दे कि सातवें चरण में इनको भी शामिल किया जाएगा। और इसी को लेकर आज शिक्षा दिवस के दिन इन तमाम अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में आज नौकरी की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। आप सभी बने रहिए लाइव बिहार के साथ, कैमरामैन यशवंत के साथ मैं राजमोहन तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।